अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रैक्स ट्रेडिंग। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आज की जो सबसे पहले हम बात कर जाएँ तो आज डेट की बात करते हैं, 11 सितंबर 2024, ठीक है। ये नया मंथ भी शुरू हो गया था, ये 11 सितंबर के मंथ की ना ये पहली वीडियो है मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत मैं गाइड करता रहता था ग्रुप्स में, सिग्नल भी थोड़े कम देता था लेकिन देता रहा हूँ। NFP के ऊपर भी मैंने बताया था, वैसे ही हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, आज का जो दिन है वेडनेसडे का दिन है, ठीक है, बुध का दिन है और अब टाइम हो चुका 3-4 बजने वाले हैं, ठीक है। 5:30 ठीक 1.5 घंटे बाद ये न्यूज़ है CPI की, आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाएगी। ओपन करते हैं जरा डाटा, देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। आज 5:30 बजे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो पहली न्यूज़ है वो है कोर CPI MM, ठीक है। इसमें देखें प्रीवियस जो डेटा था वो 2% है, फोरकास्ट में भी 2%, यानी कि इक्वल आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है USD जो है ना CPI मंथली, ठीक है, वो कोर CPI थी, ये CPI है। इसमें देखें प्रीवियस 2% था, फोरकास्ट में भी 2%, ये भी इक्वल आने के चांसेज हैं, ठीक है। यानी कि डाटा स्टेबल जब होता है तो समझो डॉलर के ही हक में रहता है ये, ठीक है। और इसके बाद CPI ईयरली को अगर देखा जाए, इसमें प्रीवियस 2.9% और इस बार 2.5%, यहाँ पे डॉलर वीक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही एहतियात करनी है, यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। दो इक्वल डाटे हैं और ये नेगेटिव है। अब हो सकता है जब न्यूज़ में आ जाए ये तो नेगेटिव ही रह जाए, इसमें ये नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए, डॉलर तो गिर जाएगा, फिर गोल्ड आपका ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए अब ये तो स्टेबल है दो न्यूज़ में और ये नेगेटिव है, आज क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। फंडामेंटली क्लियर बात नहीं करूँगा कोई भी, जब न्यूज़ आ जाएगी तब देख लें। इसमें आप लोगों ने बहुत ही मोहतात के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। टेक फंडामेंटल जो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ दोबारा सुन लें, क्लियर नहीं है, यहाँ पे मिक्स सा ही डाटा बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। न्यूज़ टाइम आप लोगों ने पहले डाटा देखना है, बाद में ट्रेड करनी है, ओके। और बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर फॉलो करेंगे हम, टेक्निकली चलते हैं आज। अब हम MT4 के ऊपर चलते हैं, देखते हैं मार्केट करना क्या चाहती है जी। तो अब हम आ चुके हैं MT4 के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले तो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और घंटी के बटन भी दबाएं, वीडियो बात लाजमी क्या करें, ख़ास तौर पर सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे चीज़ें, सबसे पहले EURUSD की बात करूँगा। ये EURUSD का वीकली चार्ट है, वीकली में सेल है, ट्रेंड इसका बाय है। अगर आप देखें तो ये मूविंग एवरेज है, ऊपर ऊपर ही कैंड सारा कुछ मूव कर रहे हैं, एक दो वीक में अच्छी मूवमेंट इसने दी है। अगर इसका डेली चार्ट देखा जाए तो डेली ट्रेंड में ये सेल आ रहे हैं, तो गोल्ड को भी इस हिसाब से तो सेल आना चाहिए, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी, ये डॉलर के साथ साथ फिर भी चलते हैं और कोई नहीं चलता, क्योंकि डॉलर सेल में ये मज़ीद लगातार सेल में, तो ये बाय में ही रहना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके बाद GBP USD को देखें तो GBP USD भी बाय ट्रेंड में है। अगर यहाँ तक आ जाए तक एरिया इसकी यहाँ तक, तो फिर तो बाय बनेगा, लेकिन यहाँ तक मुश्किल ही आएगा। सेल यहाँ से बनेगा, बाय यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी बाय बनेगा, बाय छोटे ये बड़ा टाइम फ्रेम है ना, इसलिए लेवल जल्दी नहीं निकलेंगे, इतनी मूवमेंट ये देगा भी जितनी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, छोटी मूवमेंट होती है उसके लिए फिर टाइम फ्रेम H4 H1 मज़ीद छोटा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पर सेलिंग है, ठीक है ना, बहुत ही मुताद के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, JPY की एक नज़र देख लेते हैं। इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ मैं, डेली में ये देखें, ये ऑल टाइम हाई पे गया हुआ था, मैं कहता था सेल करेंगे इसे, यहाँ पे देखें 161.62 में याद अच्छे से, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया 161.62 पर, देखें वहाँ से क्रैच हुआ 140 तक आ गया। ये ट्रेड होती है ज़बरदस्त जो कि आप लोग फॉलो नहीं करते। अब ये दोबारा भी यहाँ पर 146 पर गया था सेल, ये ट्रेंड सेल में है, अब ये मज़ीद आज भी ये सेल जा सकते हैं एहतियात के साथ। डॉलर अगर पॉजिटिव आया, जैसे ये रिजेक्शन पकड़ी है इसने ऊपर, तो यहाँ तक गिर आ सकता है 143 से, फिर छोटी बहुत सेल बनेगी और ये भी सेल फिर 147 से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब बात कर लेते हैं आज अपने मशहूर ज़माना पर गोल्ड की। गोल्ड में देखें ये बाय इसका चार्ट है, डेली का चार्ट है, अगर आप इसको तवज्जो से देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही,
कहाँ से ऊपर नहीं जा रही, गौर से देखेंगे वाला एरिया। ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 2500 लेके 2530 का जो एरिया ना, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, तो आप लोगों ने सेल करें यहाँ से बार बार, जब 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 सेल मिले आप लोग करते रहें। और ट्रेंड इसका बाई है कैसे, क्योंकि ये देखिए मूविंग एवरेज है ना, इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ऊपर ही है। आज नया हाई भी लग सकता है, तो आप लोग एहतियात के साथ ये देख रहे हैं। ट्रेंड इसका बाई है, कोई सेल हो सकती है, रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम H4 का आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। H4 में सी की पोजीशन बनी हुई है, H4 में भी देखें रिजेक्शन बन रही है, सेलिंग की अलामत बन रही है, सेल गिर सकता है यहाँ से। और अगर H1 की बात की जाए, H1 में भी है तो ट्रेंड तो भाई है यार, हर जगह भाई भाई है। और ये तो W पैटर्न भी बन रहा है, कई W पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर, देखें ये चीज़ बनी है, ठीक है, ये चीज़ बनी है। आप गौर से देखें, एक और चीज़ ये कौन सा पैटर्न है, W पैटर्न है, 90% तो बाय ही है। बहरहाल होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्डर आप लोगों ने बहुत ही मोहतात से लगाना है। यहाँ तक तो सेल करे भी ना, तो इस यहाँ पे असल बनेगा उसका 25 का, ठीक है। और ये चीज़ PP 2500 आएगी फिर इंशाल्लाह, आया नीचे तो 2500 लगा देगा, आराम से लगा देगा, ठीक है। ऊपर गया तो ऊपर से फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेल बाय कहाँ से करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखने लगा हूँ, बाय आप लोगों ने करना है 2500 से, 2490 से और 2480 से। ये सपोर्ट्स हैं, तीन पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा, तीन ऑर्डर हैं, सब के असर अलग अलग, TP अलग अलग, एक बात वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लगाने हैं। अच्छा, सेलिंग का अगर आप लोगों ने करने मिले तो 2540 से सेल कर लेगा, 2550 से और 2560 से, ये एक दो और तीन, ये भी तीन ऑर्डर हैं। हर ट्रेड का SL आपने 50 pips लगाना है, और TP जो आपने लगाना है 100 pips का। ये SL है और ये TP है, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों ने ट्रेड करें, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो इसके बाद एक बार DXY को भी देख लें, डॉलर इंडेक्स में क्या पोजीशन है इसका। डेली चार्ट डॉलर तो स्ट्रॉन्ग नजर आता है, लेकिन डेली चार्ट सेल में हो सकता है ये गिर जाए, मुझे ट्रेंड इसका सेल ही है, तो मुहतात हो के यहाँ से उठ भी सकता है ऊपर। ये उठता है तो डॉलर गोल्ड को नीचे जाना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। टेक्निकल भी सेल है और फंडामेंटल भी सेल आ गया, तो आप लोगों का गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, ये डॉलर तो फिर नीचे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम बात कर लेंगे US ऑयल को देख लें। अच्छा, ऑयल में अगर आप देखें ना, तो आलमी मंडी और सारा प्राइसिस गिर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑयल बहुत महंगा है, पेट्रोल डीजल सारा कुछ महंगा है, लेकिन बाहरले मुल्कों में बहुत गिर गया ये, ठीक है ना। ये क्रैश हुआ है, इसकी फिजिकल में भी ये बहुत गिरा हुआ है, काफ़ी कितने बैरल नीचे गिर चुका है ये, अगर आप लोग न्यूज़ देखते तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये एक लेवल है अब इसका 65-64 का, मैंने नहीं लगाया, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, कई सालों साल पहले आर्डर ये लगे हुए थे मेरे लेवल। ये देखें इस लेवल से डाउन है, इसको रिस्पेक्ट दी थी, और ये अब इस लेवल का रिटेस्ट हो रहा है। अब इस लेवल को ये बाइंग निकली है, अगर दोबारा ये लेवल मिलता तो आप लोग बाय कीजिएगा वरना, ठीक है। इसका टारगेट यहाँ से रख के 72 तक जाना है आप लोगों ने, जो भी यहाँ से बाय करे कम से कम 70 TP लाजमी ले, ठीक है। तो अच्छी खासी यहाँ से बाइंग है, लेवल है हमारा ज़बरदस्त। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद बिटकॉइन पे आ जाएं, BTC को एक नज़र देख लें। BTC का ट्रेंड अब सेल के अंदर है, बाय के अंदर नहीं है। डेली में अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेज के ना नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, अच्छा खासा सेलिंग है। और इसकी बाइंग जो अच्छी बाइंग है वो 50,000 से है, 48,000 से, 50,000 से बाइंग है और 46,000 से बाइंग है। बाकी सेल इसमें अगर कोई करना चाहे 57-58 से सेल कर, तो ये यहाँ पे 59 का सेल देगा, 59K का, और TP इसका यहाँ पे ये रखेगा 50 TP का कम से कम, ठीक है। तो एहतियात के साथ ट्रेड करनी है, मज़ीद कोई बात ना समझे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी दिया, तब तक कर सकते हैं, अपने रखें बहुत ख्याल, फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।